गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो आपके वास्ते बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि WCC 3 का फुल वर्जन की कंफर्म रिलीज डेट, उसके नाम में कौन कौन से फीचर देखने के लिए मिलेंगे और कौन कौन से उसके नाम सरप्राइजेस फीचर देखने के लिए मिलेंगे, सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाले इस वीडियो में। वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले जो अपडेट आया 0.5 अपडेट, तो उसके अंदर हमें सब कुछ टूर्नामेंट्स अनलॉक देखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर एक और अपडेट आया 0.5.1 अपडेट, जिसके अंदर जो बग्स आए थे वो भी अपडेट को फिक्स कर दिया गया है अपडेट के अंदर बग्स को। तो गाइस देखिए इसके दो अपडेट आ चुके हैं। अब गाइस जो डायरेक्ट अपडेट आने वाला है वो है फुल वर्जन का। जैसा आप सभी को पता होगा, इनकी जो CEO है उन्होंने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि इसका अपडेट हमें मिड अगस्त में देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें सच में देखने के लिए मिलेगा कि नहीं। तो गाइस देखिए अब जो फुल वर्जन है इसके अंदर सिर्फ हमें दो फीचर्स बाकी है जो है टेस्ट में, जो वुमेन्स क्रिकेट का गाइस ये दो बड़े फीचर्स के अंदर बाकी है। उसके बाद गाइस इसके अंदर हमें जो है तो कुछ बॉलिंग एक्शन, कुछ बैटिंग शॉट और कुछ सीन और कुछ और न्यू फीचर्स भी इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और एक हमें इसके अंदर हाईलाइट का फीचर देखने के लिए मिलने वाला है फुल वर्जन में। तो गाइस देखिए जो वुमेन्स क्रिकेटर है गाइस इसको थोड़ा बनाने में इनको टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जो रियल में वुमेन्स रहते हैं तो जो स्टेडियम रहते हैं उनकी जो साइज रहते हैं मतलब छोटे स्टेडियम की जो साइज रहता है उनको स्टेडियम की साइज छोटी करना पड़ेगा वुमेन्स के आते, क्योंकि उनमें मतलब इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं रहते वुमेन जो मतलब इतने जैसा मैन जो छक्के मार सकते तो वुमेन्स उतने लंबे लंबे छक्के नहीं मार सकते। तो इसलिए गाइस इनके वास्ते जो है तो स्टेडियम को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इस पर नेक्स्ट मल्टीमीडिया काम कर रही है। उसके बाद गाइस इसके अंदर बात करते हैं टेस्ट मैच की, तो गाइस टेस्ट मैच तो इसके अंदर आसानी से ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो टेस्ट मैच होता है हमें WCC 2 के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो वही फीचर इसके अंदर ऐड होगा। तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाने वाला टेस्ट मैच में, लेकिन गाइस इनको थोड़ा टाइम लग रहा है वुमेन्स क्रिकेट में। मैंने आपको उसके रीज़न भी बता दिया, वुमेन्स क्रिकेट में इनको मतलब बहुत कुछ इनको चेंज करना पड़ रहा है, इसलिए गाइस इनको टाइम लग रहा है। उसके बाद गाइस देखिए बात करते हैं इसके अंदर और जो जो फीचर्स है हाईलाइट्स के फीचर, जो बॉलिंग एक्शन है गाइस ये तो सब आपको WCC 2 में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें तो गाइस इनको मतलब ज़्यादा मतलब इनको इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये फीचर तो ये आसानी से ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट मल्टीमीडिया, लेकिन इनको सिर्फ एक ही फीचर है वुमेन्स क्रिकेट में थोड़ा टाइम जा रहा है, इसलिए अपडेट जो है तो लेट हो रहा है। तो गाइस ये अपडेट की बात करते हैं, अपडेट कब तक आएगा गाइस? तो देखिए जो है तो प्ले स्टोर का रूल है कोई भी गेम को अर्ली एक्सेस में हम 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम ज़्यादा भी अगर इसे रख सकते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स बोल रहे हैं 10 महीने तक भी रख सकते हैं। तो लेकिन ये जो गेम है हमें 11 मई को मतलब आया था, तो इसको 11 मतलब अगस्त को 3 महीने हो जाएंगे, तो हो सकता है 11 अगस्त को इसका अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है, जैसा उन्होंने मिड अगस्त में बताए थे उनके CEO ने। लेकिन गाइस ये अपडेट हमें 15 अगस्त के दिन देखने के लिए मिलने वाला है। हो सकता है गाइस मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन हमें इस मंथ के अंदर इसका फुल वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि गाइस गेम को 3 महीने से ज़्यादा होगा, इसमें अब ज़्यादा फीचर्स बचे भी नहीं है। जो फीचर्स है गाइस वो सब इसके अंदर ऐड हो चुके हैं धीरे धीरे करके, तो गाइस ये अपडेट बहुत ही जल्दी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।